नितिन जैन, डायरेक्टर तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल। कोरोना की दूसरी लहर एक सुनामी के रूप में आई, जिसमें इतनी तेज़ी से पेशेंट आए कि हमारे स्टाफ के लिए भी उन्हें संभालना एक बहुत कठिन कार्य था। हमारे स्टाफ ने हिम्मत रखते हुए जी जान से उनकी सेवा की, बहुत सारे पेशेंट बचाए गए और बहुत सारे ऐसे भी रहे जिन्हें पूरा प्रयास करने के बाद भी हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ नहीं बचा सके। हम सभी उनके काल कलवित होने से बहुत दुखी हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल भी पॉजिटिव हुए, उन्हें भी इस रोग ने घेर लिया। उसके बाद भी हिम्मत रखते हुए निरंतर वो युद्ध के समझकर इसके लिए लगे रहे, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हमारे यहाँ भी कोरोना काल में बहुत पेशेंट्स आए, जिनको हमने पूरी कोशिश की, हमारे नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, सारा पैरामेडिकल स्टाफ ने, कि उन्हें हम बचाएं। पर फिर भी हमारी कड़ी मेहनत के बावजूद भी कई पेशेंट्स हमारे जिनकी डेथ हो गई। हम उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रेयर करते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। आज दिनांक 9 जून 2021 को तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल में जो हमारा स्टाफ है, हॉस्पिटल का नर्सेज हैं, टेक्निकल स्टाफ है और हमारे सम्मानित डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से जो कोरोना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया तथा मौन रखकर उन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सभी ने अपने अपने धर्मों के अनुसार, अपने अपने संस्कारों के अनुसार उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा जो लोग इस समय भी कोरोना से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन लोगों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही साथ हमारे जो डॉक्टर्स, नर्सेस और टेक्निकल स्टाफ है, जिन लोगों ने इस संघर्ष के समय में, इस विपरीत परिस्थिति में हम लोगों की सेवा की है, पूरे समाज की सेवा की है, देश की सेवा की है, उन लोगों के लिए भी एक धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की तरफ से सभी का आभार व्यक्त करता हूं तथा जल्दी से जल्दी इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।